हिमालय में बसा एक अद्भुत रहस्यमय जगह, जहां पर सबकी आयु हजारों वर्षों की हो, जहां लोग 12 फीट के हो और हर किसी के पास दैविक शक्तियां हो। हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग एक ऐसा रहस्यमय दिव्य शहर है, जहां किसी की मृत्यु नहीं होती और जिसे धरती का स्वर्ग या स्वर्ग पथ भी कहते हैं। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। हिमालय पर्वत में छिपे इस रहस्यमय शहर को ज्ञानगंज मठ, सिद्धाश्रम, संग्रीला या संभाला भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। ये जगह इतना पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हिमालय के रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उससे अनेक जड़ी बूटियां, कौस्तुभ मणि, शंख, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था, जहां संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता था। रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हुए कहा था कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है, जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाला जा सकता है। तो क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और अंग अपनी क्षमता खोते रहता है। लेकिन अगर कोई अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके और नए सेल्स हमेशा बनते रहे, तो वो व्यक्ति हजारों साल तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहां दुख, दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को भी बताया था, और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लेवेट्स्की अपनी किताब आइसिस अनवीड और द सोक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया गया है कि उन्होंने संभाला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसे साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार संभाला में होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। कैलाश पर्वत के नीचे दो शहर बसे हुए हैं, पहला संभाला और दूसरा अगाथा, और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया नहीं जान सकती और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। हिंदू धर्म में संभाला के ही इर्द गिर्द भगवान शिव का भी निवास स्थान बताया गया है। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि कैलाश पर्वत से एक अजीब सी रेडिएशन आती है और यहाँ पर किए प्रयोगों से ये साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है, इसलिए कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों, इस जगह से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।